दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल डाला था कि क्या मैं Redmi Note 10 पर एक फुल डिटेल्स वीडियो बनाऊं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ वीडियो बनाओ, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना सका। तो दोस्तों उस चीज़ के लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं शॉर्ट आउट दूंगा, तो मैं शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पर कमेंट और लाइक किया था। तो उनके नाम है रॉयल गेमर्स, टेक्निकल पैंडा, संजू चौहान और सनमे गेमिंग। सो थैंक यू आप सभी का मेरी वीडियो पे कमेंट और लाइक करने के लिए, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूं। तो खैर बात कर लेते हैं इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं पोको X3 को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं और मुझे इसके बारे में कुछ काफ़ी बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला है, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सीधे बात में बकवास। दोस्तों ये सभी जो प्रॉब्लम है मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपको भी आ रही हो। और दोस्तों ये सभी प्रॉब्लम जो है इसमें कुछ हार्डवेयर रिलेटेड है, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको परेशान जरूर करने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको कनेक्टिविटी इशू मिलता है। वो ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्लूटूथ से किसी ब्लूटूथ हेडफोन को कनेक्ट किया हुआ है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ और वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ये दोनों चीज़ें काम करने लेंगी। लेकिन जैसे मैं वाईफाई को ऑफ करके और उसको दोबारा से ऑन करता हूँ, तो ये क्या करता है, ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड जो डिवाइस है उसको बंद कर देता है। मतलब उसको आपको दोबारा से ब्लूटूथ को ऑन ऑफ करके कनेक्ट करना पड़ेगा। और दोस्तों ये जो चीज़ें ये हर बार होती है, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जैसे ही आप वाईफाई को ऑन ऑफ दोबारा से करते हैं, ये दोबारा से जो आपकी ब्लूटूथ से कनेक्टेड डिवाइस है उसको बंद कर देता है। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर के अपडेट से सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है, जो कि मुझे काफ़ी अनोइंग लगी और आपको भी दिक्कत कर सकती है अगर आपके फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, मतलब आपको दोनों तरफ स्पीकर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये इसमें प्रॉब्लम करती है, वो ये है कि यहाँ पर जो स्टीरियो स्पीकर है, जब आप उसको फुल वॉल्यूम पे प्ले करते हैं और इसका जो बैक कवर है पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगता है। और केवल म्यूजिक में ही नहीं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपने अगर ऐसे फोन पकड़ा हुआ है तो आपको ये जो बैक पैनल है पूरी तरह से वाइब्रेट होगा। लेकिन दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, आप एक्सेसिबिलिटी में जाके यहाँ पर जो है स्टीरियो स्पीकर को मोनो स्पीकर कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि यहाँ पर एक स्पीकर जो है बंद हो जाएगा और केवल एक स्पीकर चलेगा। लेकिन उस चीज़ को करने का क्या फायदा कि जब यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर दिए हैं तो यहाँ पर जो है आप मोनो ऑडियो क्यों यूज़ करेंगे, जबकि यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर दिए हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि ये सॉल्व नहीं हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये एक हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये जो है ये किसी सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व नहीं हो सकती है। तो ये जो है ये प्रॉब्लम है और आपको इसके साथ ही जीना पड़ेगा। अब दोस्तों अगली प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको जो है फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और इसमें आपको 33 वॉट का जो फास्ट चार्जर है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब आप उस चार्जर को कनेक्ट करते हैं और आपने उसको 10 या 15 मिनट ही रखा है, तो ये जो फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगता है। हालांकि ये फ़ोन जो है बहुत तेज़ी से चार्ज होता है, लेकिन ये जो है काफ़ी हीट होने लगता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर कोई कम वॉट का चार्जर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने यहाँ पर कोई बैक कवर लगाया हुआ है तो आप उसको हटा के चार्ज कर सकते हैं, या फिर जो है यहाँ पर जो है अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड में कर सकते हैं ताकि जो है आपका फ़ोन जो है वो कम हीट हो। लेकिन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हो सके तो कोई कम वॉट का चार्जर यूज़ करें इस फोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये जो है भाई काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। अब दोस्तों अगली प्रॉब्लम ये है इस फोन के बारे में कि इसमें आपको जो है हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब यहाँ पर जो है आप एक बार में दो सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 64 GB का वेरिएंट लिया है, और दोस्तों इस फोन के अंदर जो सिस्टम है वो अकेले 16 GB यूज़ करता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही बचता होगा इस फोन के स्टोरेज में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फोन को खरीद रहे हैं तो यहाँ पर जो है आप 128 GB वाला वेरिएंट ले, 64 GB वाला वेरिएंट ना ले, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है इस फोन के बारे में। अब दोस्तों अगली प्रॉब्लम ये है इस फोन के बारे में कि यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो नीचे कॉर्नर से यहाँ पर और यहाँ पर जो कैमरे का कटआउट है, यहाँ पर जो है आपको हल्की सी स्क्रीन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। और ये जो चीज़ है ये केवल आपको व्हाइट बैकग्राउंड में ही देखने को मिलेगा, ब्लैक में आपको ये महसूस नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही कोई व्हाइट बैकग्राउंड यूज़ कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रीन ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ पर हल्का सा आपको लगेगा कि यहाँ पर एक शैडो बनी हुई है नीचे से, और यहाँ पर कैमरे के नीचे भी आपको लगेगा कि कोई शैडो सी बनी हुई है। तो ये जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर। अब दोस्तों एक और इशू है इस फोन के अंदर, वो एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, वो ये है कि इसमें आपको गेट ऐप्स देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर आप एक Xiaomi यूज़र है तो आपको पता होगा कि जो गेट ऐप्स है कितना अनोइंग होता है, कि जैसे ही आप किसी ऐप को अपडेट करने जाते हैं तो वो जो है आपको सीधा गेट ऐप्स में लेकर चला जाता है। भाई जब मेरे यहाँ पर प्ले स्टोर पड़ा हुआ है तो मैं आपके गेट ऐप्स पे क्यों जाके किसी ऐप को अपडेट करूँ? तो यहाँ पर जो ये गेट ऐप बार बार नोटिफिकेशन भेजता है कि ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो, और यहाँ पर जो है आप किसी भी ऐप को अपडेट करने जाते हैं तो वो सीधा जो है आपको गेट ऐप्स में लेकर चला जाता है। तो ये जो है एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू है, इशू तो नहीं कहूँगा क्योंकि Xiaomi जो है ये जानबूझकर करती है। तो अगर इस चीज़ को वो सॉल्व कर दे आगे के अपडेट में तो काफ़ी अच्छा होगा। तो दोस्तों हो सकता है कि आपको ये इशू देखने को ना मिले। खैर आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो चले गए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।